मेरे खिलाफ डामरा में जिन लोगों ने जमघट किया, जो राजनीतिकरण कर रहे थे, जिसमें बीजेपी भी शामिल हो गई, जो कर रहे थे स्टेज पे कौन आया, किसके भाषण कराए, सारा जमाना देख रहा था, वो एक भी कांग्रेस की सरकार बचाने में 2020 में उनकी योगदान नहीं थी, वो मुझे नहीं लड़कारेंगे। मुख्यमंत्री जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार के प्रति और कांग्रेस के आलाकमान के प्रति अगर कोई वफादारी से खड़ा रहा है तो हम खड़े रहे। एक विधायक के मुख्यमंत्री से क्या वार्तालाप होती है वो कोई सार्वजनिक मंच पे नहीं बताई जाती, लेकिन जब उतनी अखबार में छींटाघिसी कर रहे हैं तो इतना बता देती हूं कि मुख्यमंत्री जी को मैंने बता दिया जो मुझे बताना था कि किस तरीके से इस सभा का राजनीतिकरण हुआ है, यह जमावड़ा किस उद्देश्य से किया गया है। रंजीत सिंह जी 32 साल कांग्रेस में रहे तो मदेरणा साहब का फोटो नहीं लगाया था वहां पर, उस सभा में परशुराम मदेरणा का फोटो तक नहीं था। वो जो लोग कभी जिन्होंने रंजीत सिंह जी से नमस्कार नहीं करी, उनको देखा नहीं, वो बड़ी कड़फ लगा के वहां दिव्या मदेरणा के खिलाफ घेरा घालने में बैठे थे। जो कांग्रेस की बी गैंग है वो तो चप्पे चप्पे में यहां पर पता है, 8 में हमें हराने में थी, 13 में खिलाफ थी, 18 में खिलाफ थी, साथ बैठकर क्या ढोंग करना है एकता का, नहीं बनती, नहीं बनती। जब जहां वक्त आएगा वो तो जिनके साथ हैं वो ही रहेंगे, जो पहुंच गए थे समर्थन देने फिर पुलिस ने रोक दिया। ऐसा नहीं होता है कि आप बिन बुलाए चले जाओ। और जहां तक इस सभा की सवाल है, 2017 के अंदर एक AICC के ऑब्जर्वर बावड़ी में आ रहे थे, वहां पर इस तरीके की शब्दावली मेरी मम्मी लीला जी मदेरणा और मेरे लिए वहां कही गई। उसके बाद तो हमने कह दिया हम इनके साथ कभी जिंदगी में स्टेज शेयर नहीं करने वाले। MP का टिकट मिला तो मैंने मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट कह दिया और मैंने ऊपर दिल्ली तक कह दिया, मैंने जी आप सूबे के मुख्यमंत्री हैं, आप सभा ले लीजिए, लेकिन मैं इनके साथ कोई सभा नहीं लूंगी क्योंकि मैं स्वाभिमान से समझौता नहीं करती। मेरी कोई मजबूरी नहीं है कि भरे मंच पे मैं और मेरी माता जी किस परिवार से आते हैं, दो महिलाएं सार्वजनिक रूप से अभद्र गालियां सुने तो ऐसी कोई हमने गुलामी इनकी नहीं करी है बद्री राम जी की। मैं स्टेज शेयर नहीं करूंगी और ओसिया में मैं उनके साथ स्टेज नहीं शेयर करूंगी। मुख्यमंत्री जी जानते हैं मेरे संकल्प को।